इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। मैं एक इलेक्टेड बोर्ड मेंबर, कैंटोनमेंट बोर्ड साजिद शेख। मुझे एक तकलीफ दिखी थी कैंटोनमेंट में कि कैंटोनमेंट में हर्ज वैन नहीं थी, जनाजा ले जाने वाली गाड़ी नहीं थी। तो मैं देखता था कि बहुत तकलीफ़ होती है, गरीब हो या अमीर हो सबको गाड़ी लगती है। तो मैं सोचा कि मेरे माँ बाप की याद में मैं ये गाड़ी दे दूँ, कैंटोनमेंट बोर्ड को डोनेट करूँ, इरादा किया था। और वो इरादे से मैंने गाड़ी आज कैंटोनमेंट को डोनेट कर चुका हूँ। आज बोर्ड मीटिंग थी, हमारे प्रेसिडेंट ब्रिगेडियर रोहित चौधरी साहब थे, सीईओ बरचस्व थे, तो उनको हैंड ओवर किया हूँ। हमारे दोस्त अहबाब भी थे और हमारे फैमिली मेम्बर सभी थे, चाचा भाई लोग सब हमारे। तो ये शुभ काम मैंने आज किया और गाड़ी हैंड ओवर किया हूँ। ये जो गाड़ी बनी है ये सबके लिए है और सभी जाति के लोगों के लिए है, ऐसे नहीं कि एक जात या दो जात। इसमें सिस्टम बनाया गया है कि मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, एससी हो, लेट इट बी एनी वन, फॉर वन एंड ऑल इट इज़, जो चाहिए वो कैंटोनमेंट से हमारे कैंटोनमेंट वासी गाड़ी ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आज कैंटोनमेंट बोर्ड का मंथली मीटिंग संपन्न हुआ, जिसमें सर्वप्रथम जो सबसे बढ़िया मुद्दा ये था कि कैंटोनमेंट बोर्ड प्लेग्राउंड को बेटा स्पोर्ट्स लिमिटेड ने डेवलप करने का निर्णय लिया है। इसके लिए करीब 1.5 करोड़ अपनी तरफ से खर्च करेंगे। इसमें आर्टिफिशियल टर्फ भी लगाएंगे, फ्लड लाइट भी लगाएंगे, रनिंग ट्रैक, फुटबॉल ग्राउंड, हॉकी ग्राउंड, बास्केटबॉल, फुटबॉल और वॉलीबॉल, सारी तरह की सुविधाएं प्रदान करेंगे। यह सुविधा वह स्कूल टाइम में स्कूल के बच्चों के लिए होगा, जबकि बाद उसके बाद वह इसको अपने बच्चों को प्रशिक्षित करने के लिए करेंगे। उसके अलावा हमें जो स्टेट फाइनेंस कमीशन से फंड मिला था, उस फंड को भी हमने अलग अलग टेंडर में आज पास किया है, जिसके अंदर सफाई कर्मचारी के क्वार्टर्स, कुछ पार्क्स, कुछ अंडरग्राउंड लाइंस, ये सब डेवलप किया जाएगा। इसके अलावा कुछ ज़मीनों का रिक्लासिफिकेशन करने का भी मुद्दा सामने आया, जिसको बोर्ड ने सर्वसम्मति से पास किया है। साथ ही साथ बोर्ड ने यह निर्णय लिया है कि जितने भी पुराने लंबित काम हैं उनको जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए। बट एक समस्या सामने आई कि अभी फंड की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो इस कारण से यह प्रयास किया जा रहा है कि जहां से हो सके फंड उपलब्ध कराकर लंबित कामों को पूरा कर सके। बोर्ड मीटिंग के अंत में श्री साजिद शेख द्वारा एक सबवाहन बोर्ड को दान दिया गया, उसके जो कि एक जनकल्याण का काम है जिससे लोगों की भलाई होगी, इसके लिए मैं उनका हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। जय सोच समझ से इन्होंने किया है ताकि सारे जितने भी समाज हैं उन सब के लिए बेनिफिट करेगा। थैंक यू साजिद भाई। हम बेलगाम के सिटीजन्स की तरफ से, मैं हमारे इलेक्टेड मेंबर श्री साजिद शेख, जिन्होंने ये हर्ष वैन जिसकी बहुत ज़रूरत थी कंटोनमेंट में, उन्होंने अपने लविंग मेमोरी ऑफ हिज मॉम एंड डैड, ही हैज़ डोनेटेड वन हर्ष वैन टू कंटोनमेंट बोर्ड। And on behalf of all the citizens of Cantonment as well as Belgaum city, I thank the whole Dawal family and we are really proud of you, Sagar. Thank you. Very good morning. भगवान आपको अच्छा रखे, आपके पूरे पूरे परिवार को सुखी रखे। Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे साजिद शेख साहब। कहते हैं कि नेक औलाद सदके जारिया है, लिहाजा अपने वालिदैन की याद में इन्होंने ये जो गाड़ी हर्ष फैन का उन्होंने जो आज डोनेट किया हुआ है कैंटोनमेंट को, लिहाजा इनके नेक काम में अल्लाह इनके अजर को कबूल फरमाए। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।